आज भागलपुर जिले के कुल 22 केंद्रों पर पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई। परीक्षा से 30 मिनट पहले परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इसको लेकर भागलपुर जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ एसएसपी, सीटीएसपी ने भी परीक्षा पूर्ण रूप से हिंसाचार मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल करने के लिए काफी मेहनत की। परीक्षा दो पालियों में हुई। भागलपुर जिले में लगभग 10,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें पहली पाली के लिए रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे और दूसरी टाइम के लिए रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे रखा गया था। वहीं पहली पाली में 9:30 बजे और दूसरी पाली में 2 बजे के पूर्व ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया गया। सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थी सुबह से ही आना प्रारंभ कर दिए थे और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। भागलपुर में पुलिस सब निरीक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 22 केंद्रों पर संपन्न हुई। वहीं विक्रमशिला सेतु पर इस दौरान महाजाम उत्पन्न हो गया, जिससे ट्रैफिक समस्या से परीक्षार्थियों को जूझना पड़ा, जिसकी वजह से कई परीक्षार्थियों को एग्जाम में पहुंचने में लेट हो गया। इसके बाद परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने नहीं दिया गया, जिससे नाराज परीक्षार्थी रवि कुमार मुख्य दरवाजे को फांदकर एग्जाम सेंटर में घुस गया, जहां पर ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने लात घूंसे से मारकर जमकर पिटाई कर दी। मामला जिले के नाथनगर थाने के एसएस बालिका उच्च विद्यालय का है। भागलपुर के नाथनगर के गुलशन कुमार एवं इनके साथी गुरुदेव कुमार के साथ मारपीट कर जख्मी करने एवं मोबाइल व नगद रुपया छीनतई की घटना की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नाथनगर थाना पुलिस द्वारा दोनों जख्मी को विधिवत इलाज हेतु रेफर अस्पताल नाथनगर भेजा गया। उसके बाद एसएसपी के दिशा निर्देश में पुलिस उपाधीक्षक नगर द्वारा टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा पारंपरिक एवं तकनीकी कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों जख्मी के निशानदेही पर 16 दिसंबर को छीनतई किया गया मोबाइल घटना के 12 घंटों के बरामद करते हुए एक अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जख्मी गुलशन कुमार तथा गुरुदेव कुमार दोनों के इलाज कराने के उपरांत आज केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में साहुल कुमार और शिवशंकर कुमार दोनों गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं साहुल कुमार का अपराधी की इतिहास भी बताया जा रहा है। कल नाथनगर थाना अंतर्गत एक लूट कांड दर्ज हुआ था, उसमें गुलशन कुमार उम्र 20 वर्ष और इनके एक साथी हैं गुरुदेव कुमार, इनके साथ लूटपाट की घटना हुई थी। इनको जख्मी किया गया था और इनका मोबाइल एवं नगद छीन लिया गया था। तो इसमें एक स्पेशल टीम बनाई गई डीएसपी सिटी के अंतर्गत और इसमें 12 घंटों में सफल उद्भेदन करते हुए जो लूटा हुआ मोबाइल था उसको बरामद कर लिया गया है और 2 लोग की गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक अभियुक्त है साहुल कुमार और एक शिवशंकर कुमार, दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। साहुल कुमार के खिलाफ नाथनगर में एक कांड दर्ज है और शिवशंकर के खिलाफ नाथनगर और सुल्तानगंज दोनों जगह 2 कांड दर्ज है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आजकल जिम में वर्कआउट करते हुए, डांस करते हुए, गाना गाते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है और लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। हार्ट अटैक आने के बाद वहां उपस्थित लोग यह नहीं देखते कि उनकी स्थिति कैसी है, क्या उनकी धड़कन और सांस बची है या लगभग बंद हो चुकी है। बंद हो रही धड़कन और सांस को यदि पहले CPR देकर पुनर्जागृत कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जा सकता है, जहां उचित इलाज के साथ वो ठीक हो सकते हैं। इसी बाबत आज खंजरपुर स्थित खिलाड़ी जिम में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई, जो शीघ्र ही पूरे शहर के सभी जिम के साथ वहां के ट्रेनर और जिम आ रहे युवाओं को CPR की ट्रेनिंग देगी। अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि किसी को घर या ऑफिस में हार्ट अटैक हो या सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति हो या डूब रहे व्यक्ति को बचाने के बाद वो अचेत हो जाता है और उसकी सांसें नहीं चल रही होती है और धड़कन यानी पल्स नहीं चल रहा होता है, तो उसकी छाती के बीचों बीच दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करते हुए छाती के सबसे निचले हड्डी से 2 उंगली की
चौड़ाई के ऊपर दोनों निपल के बीच एक मिनट में 100 की रफ्तार से 25 बार छाती 2 से 3 इंच तक दबाना होता है और फिर 2 बार मुंह से सांस देना है। यह प्रक्रिया कई मिनट तक करना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाए। इस तरह से कोई भी आम व्यक्ति जो चिकित्सक नहीं है वो भी मरते हुए व्यक्ति की जान बचा सकता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे टीवी में, मोबाइल पर, कि कहीं डांस हो रहा है और डांस करते करते लोग मर जा रहे हैं, और जिम में लोग एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक हो रहा है और मर जा रहा है। इसको रोकने के लिए जीवन जागृति सोसाइटी ने प्लान बनाया है कि हर जिम में हम लोग जाएंगे और वहाँ CPR सिखाएंगे। आपने ये भी सुना होगा कि यदि इसको CPR किया जाता तो शायद ये बच जाता। लोग आनन फानन में उसको उठाकर ले जाने के फेर में रहते हैं, लेकिन ऐसा जब भी हो, धड़कन रुके या हार्ट अटैक हो, लगे कि वो सांस रुक रहा है, धड़कन रुक रहा है, तो उसको ले जाने के बदले उसको CPR करना है, और यदि आप CPR करते हैं तो उसकी जान बच सकती है। सुल्तानगंज के प्रखंड मुख्यालय के सभागार में सड़क दुर्घटना को लेकर जिला रोड मैनेजर राकेश कुमार के द्वारा 4 थाना के थानेदार एवं थाना के SI के साथ संयुक्त बैठक किया गया। बैठक में सड़क दुर्घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए रोड मैप के बारे में प्रशिक्षण दिया गया, जिससे आने वाले समय में सड़क दुर्घटना में कमी हो सकेगी। भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे के अंदर जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र में करीब आधा दर्जन से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई। घटना में 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 16 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल है। वजह है कि हादसा तेज रफ्तार ओवरटेक करने के दौरान हो रही है। ताजा मामला पुलिस जिला नौगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पहुंच पथ पर का है, जहां बांका एक्साइज विभाग के बोलेरो और पिकअप के बीच भीषण टक्कर हो गई। घटना के बाद चालक पिकअप वैन लेकर मौके से ही फरार हो गया, जबकि एक्साइज विभाग के बुलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में एक्साइज विभाग के प्राइवेट ड्राइवर के रूप में कार्यरत 28 वर्षीय रोशन कुमार को गंभीर चोटें आई हैं, जिनको इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शनिवार की अहले सुबह की है। डालकोला से। कहां पे खड़े आप? परवत्ता थाना से 200 किलोमीटर आगे। 2 किलोमीटर आगे। ये पुलिस लिखा है, क्या चीज का गाड़ी है? ये एक्साइज है। घायल क्या हुआ? घायल हल्का फुल्का है। कौन? हम थे और हमारा गार्ड था। अच्छा, गार्ड साहब। क्या नाम है गार्ड साहब का? गार्ड साहब का नाम तो पता नहीं। आपका नाम? रोशन कुमार। कहाँ चोट लगी है आपको? यहाँ लगा। अच्छा, यहाँ लगी है। दाल गाड़ी जो लगी है टिकट, किसने मारा? पिकअप। पिकअप मारा। कहाँ से आ रहे थे आप? डालकोला से। डालकोला क्या करने के लिए गए थे? स्पोर्ट्स छोड़ने के लिए। स्पोर्ट्स छोड़ने के लिए। अच्छा, तो किधर जा रहे थे फिर? इधर से बका। बका जा रहे थे। बका कहाँ जा रहे थे आप? बका घर जाते हैं। घर जाते हैं। मेरा भागलपुर जिला घर हुआ। अच्छा, एक्साइज में आप क्या कर रहे थे गाड़ी में? भागलपुर में एक नवजात बच्चे का छत-विछत शव भी सड़क पर देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। भागलपुर के जुक्सर थाना क्षेत्र के SM कॉलेज रोड स्थित काली स्थान के पास की घटना बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि यह शव आवारा जानवर के द्वारा उठाकर लाया गया। हालांकि नवजात के शव को कुत्तों ने नोच खाया है। घटना की सूचना पर स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और यह पता लगाने में जुटी कि जानवर ने आखिर शव को कहां से लाया। आसपास के लोग कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग दबी जुबान में यह भी कह रहे हैं कि सिर्फ लड़कियों के रहने का हॉस्टल है, आसपास कोई अस्पताल भी नहीं, फिर भी यहां शव कैसे आया। जिला कांग्रेस इंटक फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में BJP सांसद प्रताप सिन्हा के खिलाफ गिरफ्तारी एवं संसद से निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मार्च कृषि भवन से पुलिस लाइन होते हुए कचहरी चौक तक समाप्त किया गया। कार्यकर्ताओं ने सांसद प्रताप सिन्हा और BJP के खिलाफ नारे लगाते हुए सांसद की तस्वीर की प्रतियां जलाई तथा आरोप लगाया कि संसद के अंदर सुरक्षा लंघन को अंजाम देने के लिए सांसद ने उकसाया था। ये सांसद जो है आखिर किस नियम के तहत पास दिया गया, उसकी जांच होनी चाहिए। जिस देश में लोकतंत्र का मंदिर सुरक्षित नहीं है, उस देश में 140 करोड़ की जनता का खाक सुरक्षित रहेगी? भारत के प्रधानमंत्री जी, विपक्ष की आवाज को दबाना बंद कीजिए। क्या लोकतंत्र में प्रतिपक्ष के नेता अगर जनता की आवाज को, सांसद की सुरक्षा को आवाज उठाते हैं तो उन्हें निलंबित किया जाता है?
भागलपुर में थर्ड BDCA चेस चैंपियनशिप का आयोजन भागलपुर जिला शतरंज संगठन के द्वारा किया जा रहा है, जो ओपन कैटेगरी टूर्नामेंट में है। इसी टूर्नामेंट में जो चयनित खिलाड़ी होंगे उसे 3 चैंपियनशिप खेलने के लिए मुजफ्फरपुर भेजा जाएगा। यह खेल राज्य स्तर पर होगा। इसमें 4-4 करके लड़के और लड़कियों की टीम बनाई जाएगी, जो मुजफ्फरपुर में आयोजित होने वाले शतरंज प्रतियोगिता में भागलपुर का नेतृत्व करेंगे। भागलपुर से बेस्ट चेस प्लेयर का चयन कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना चेस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम के दौरान प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ट्रेजरर कुणाल राय, जॉइंट सेक्रेटरी शुभम कुमार, सचिव अजय कुमार मिश्रा के अलावे दर्जनों खिलाड़ी मौजूद थे। थर्ड BDCA चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, ये ओपन कैटेगरी का टूर्नामेंट है, यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे तो ये टीम चैंपियनशिप खेलने के लिए मुजफ्फरपुर जाएंगे और ये स्टेट लेवल के लिए खेलेंगे। 4 लड़कों का टीम है और 4 लड़कियों का, मतलब एक टीम में 4 बच्चे रहेंगे और वहाँ जाकर भागलपुर को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं बता दूँ, जब से भागलपुर में BDCA की स्थापना हुई है, जो पिछले 8 सालों से नहीं था, हम लोगों ने इस जनवरी से लेकर अभी तक 13 टूर्नामेंट करा चुके हैं, जिसमें से 2 स्टेट लेवल का करा चुके हैं और 2 स्टेट लेवल का और बाकी 11 जो है राज्य डिस्ट्रिक्ट लेवल का करा चुके हैं। 21 दिसंबर को होने वाले संकल्प यात्रा को लेकर लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक तिलकामांझे स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य पार्टी को मजबूती प्रदान करना है। बैठक का नेतृत्व लोजपा रामविलास के जिला संयोजक सुबोध कुमार पासवान के द्वारा किया गया, उनके द्वारा जानकारी दी गई। वहीं बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष सहित लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अमर कुशवाहा व पूर्व प्रत्याशी विधानसभा राजेश वर्मा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई। सभी प्रदेश अध्यक्ष यहां आ रहे हैं। बारी बारी से सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अपने जिला अध्यक्ष से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा संगठन किस स्तर तक यहाँ पहुँचा है, हमारे कितने पंचायत अध्यक्ष पंचायत में बने हैं, प्रखंड की कमेटी क्या है, जिला की कमेटी क्या है। इस उद्देश्य से जो है सभी प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। 2024 और 2025 में हम जिस भी गठबंधन के साथ हों, वो गठबंधन के साथ हमारी भागीदारी मजबूत रूप से हो, इसके लिए हम लोग संगठन पर कार्य कर। भागलपुर की दुर्गाचरण हाई स्कूल में श्री रामकृष्ण पाठ चक्र भागलपुर शाखा द्वारा निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाया गया। इसमें छात्र एवं छात्राओं की कई बीमारियों की जांच निशुल्क की गई। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर शाह, डॉक्टर शांतनु घोष, डॉक्टर शंकर, डॉक्टर शुभम दत्त, डॉक्टर मेही सुधा जैसे जानकारी सचिव इंदिरा घोष ने दी।